स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा, इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। आप में से बहुत लोग मुझसे काफ़ी दिनों से पूछ रहे थे कि बिटकॉइन के विषय में केस स्टडी दीजिए। तो क्विकली कुछ थोड़ा सा मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ बिटकॉइन पे। सारे बिजनेस कंसल्टेंट से मैं मिलता हूँ, लगभग सारे ही बड़े कॉरपोरेट देश में मेरे ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं। जो भी बड़ा आप बिजनेस ग्रुप देखते हैं वो मेरा क्लाइंट है। इतने सब लोगों से मिलने के बाद कुछ बेसिक चीज़ें हमने समझी। इन्वेस्टमेंट या बिजनेस ये वो चीज़ होती है जिसमें आपका इन्फ्लुएंस होता है। जिस चीज़ में आपका इन्फ्लुएंस ही नहीं है, जिस पे आपका प्रभाव ही नहीं है, उसको आप इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते। जिसको आप इन्फ्लुएंस करके बदल नहीं सकते उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहते। बिटकॉइन कुछ ऐसा ही है। डिजिटल करेंसी ग्रुप के ग्लोबल CEO बैरी सिल्बर्ट, इनका खुद का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी ये हाईएस्ट रिस्क और हाईएस्ट रिटर्न की इन्वेस्टमेंट है। इससे ज़्यादा रिस्क किसी में नहीं है और इससे ज़्यादा रिटर्न भी किसी में नहीं है। देखिए, इसी लाइन में ना बहुत कुछ मीनिंग छुपा हुआ है इस क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के अंदर। मोटा मोटा आप एक बात समझ लें, कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसी है अगर जिसका डेली फ्लक्चुएशन 30% से ज़्यादा है, अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो 30% से ज्यादा ऊपर या नीचे जाती है एक ही दिन के अंदर, इसका मतलब बहुत ही अनसेफ इन्वेस्टमेंट है। आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वॉरेन बफे जो बहुत ही सीजन्ड इन्वेस्टर हैं, वो 2014 में ही बोल चुके थे कि बिटकॉइन एक धोखा साबित हो सकता है आपके लिए, एक मिराज है। वॉरेन बफे कहते हैं, द आइडिया दैट इट हैज सम ह्यूज इंट्रिंसिक वैल्यू इज जस्ट जोक इन माई व्यू। उनके हिसाब से पीपल आर नॉट बाइंग इन टू द वैल्यू ऑफ सब्सटेंस, दे आर बाइंग इन टू द वैल्यू ऑफ हाइप। ये बस हाइप बढ़ रहा है इसीलिए लोग उसको खरीद रहे हैं। एक्चुअल जेन्युइन ठोस ये किसी को नहीं पता कि बिटकॉइन बढ़ता कैसे है। जब तक किसी चीज को आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते उसमें इन्वेस्टमेंट खतरा, ये एक ब्लाइंड चाल है। कम ऑन, क्या है ब्लाइंड चाल? आपको कुछ दिख नहीं रहा आगे क्या होने वाला है, लेकिन एक पान वाला, एक सिगरेट वाला, एक नाई, एक मोची, हर आदमी बिटकॉइन खरीदने को, क्योंकि सब खरीद रहे हैं, उसको पता कुछ नहीं है। क्योंकि बिटकॉइन अगर आप ना अपने माता पिता को आप समझा नहीं सकते कि बिटकॉइन है क्या, आप अपने अगर पड़ोसी को नहीं समझा सकते बिटकॉइन है क्या, दो लाइन में आपको, क्योंकि क्या है बिटकॉइन एक ऐसे एल्गोरिदम्स पर चल रहा है जिनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम लोगों, ये लगभग है ही, इसको आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। मोटा मोटा बात समझिए, जो चीज आपके कंट्रोल या आपके इन्फ्लुएंस में नहीं है उस पर इन्वेस्ट करना ये एक ब्लाइंड चाल है। इन्वेस्टमेंट की सबसे सीजन्ड कंपनी बर्कशायर हैथवे, इसके वाइस चेयरमैन चार्ली म्यूंगर शुरू से एक बात बोल रहे हैं, ये एक प्लेग, एक बीमारी की तरह है, इससे बच के रहना। ये बीमारी जितना ज्यादा फैलेगी उतने लोगों को अपने चपेट में लेके खत्म करेगी। ज्यादा दूर क्यों जाएं, हिंदुस्तान में आ जाते हैं। राकेश झुंझुनवाला जो सबसे सीजन्ड इन्वेस्टर हमारे देश के, आप सब जानते हैं उनको, वो बोल रहे हैं मुझको समझ नहीं आ रहा व्हाई पीपल एंड इन्वेस्टर्स आर गेटिंग क्रेजी अबाउट बिटकॉइन। उनके हिसाब से बिटकॉइन का कोई आधार नहीं है तो लंबा टिकेगा कैसे, जिसका कोई फाउंडेशन ही नहीं है लंबा टिकेगा कैसे। बेसिकली बिटकॉइन एक एक्सचेंज के मीडियम की तरह शुरू हुआ था और आज इन्वेस्टमेंट बन गया है सबके लिए। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट एक वर्चुअल इन्वेस्टमेंट है, ये एक्चुअल इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक्चुअल और वर्चुअल इन्वेस्टमेंट में बड़ा फर्क है। क्योंकि ये वर्चुअल इन्वेस्टमेंट है तो उसकी ग्रोथ और इसके स्लंप के पीछे कोई कैलकुलेशन और प्रेडिक्टेबिलिटी लगभग नहीं है। अब कैलकुलेशन और प्रेडिक्टेबिलिटी ना होने के कारण इसकी ब्लाइंडनेस और ज्यादा बढ़ जाती है। बेंजामिन ग्राहम, इनके बारे में आप जानते हैं, दुनिया के सबसे रईस इन्वेस्टर, उनके मेंटर, इनको बोलते हैं फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। इन्होंने शुरू में ही बिटकॉइन के बारे में प्रेडिक्शन बहुत साल पहले दे दी थी कि ऐसी करेंसी कई लोगों को धोखे में लेकर डूबेंगी क्योंकि इनकी लॉन्ग टर्म वैल्यू प्रोपोजिशन एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, मैं ऐसा नहीं आप सोचे कि मेरी केस स्टडी में मैं बिटकॉइन के खिलाफ हूं, बिटकॉइन के मैं खिलाफ नहीं हूं। मैं आपको एक कैलकुलेशन देना चाहता हूं कि क्या आपके लिए बिटकॉइन ठीक है या नहीं है। बिटकॉइन उनके लिए ठीक है जिनके पास पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बहुत बड़ी है। क्या मतलब हुआ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम? मतलब आपके पास व्यर्थ का एक्स्ट्रा बचा हुआ बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है जिसको फेंक के आप जा सकते हो।
अगर आपके पास ऐसा काफ़ी सारा पैसा है तो आप बिटकॉइन में डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज़ ऊपर बहुत तेज़ नीचे जा सकता है। जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होती है उनमें प्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसमें प्रेडिक्टेबिलिटी कम होने के कारण इसमें अगर आप जल्दी से बाहर आना चाहते हैं, देखिए एक साल बाद अगर आपको बाहर आना है तो उसमें कठिनाई हो जाएगी। एक साल बाद क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन आज अगर आप इसको डेली सुबह शाम मॉनिटर करते हैं तो ठीक है, वो भी तब जब आपके पास कुछ बड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट जिसको पूरी तरह खोने पर भी आपको दुख नहीं होगा, तब बिटकॉइन आपके लिए ठीक है। अमिताभ बच्चन जी का भी पैसा बिटकॉइन में बहुत तेज अचानक बढ़ा, बहुत तेज अचानक घटा। ये जो बहुत तेज बढ़ना और बहुत तेज घटना जो है ना, इसको एक्चुअली इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते, इसको गैम्बलिंग बोलते हैं। समझने के लिए थोड़ा कंपैरिजन ले लेते हैं। एक है वर्चुअल इन्वेस्टमेंट, एक एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। वर्चुअल में हम ले रहे हैं बिटकॉइन को, एक्चुअल में ले रहे हैं चाहे आपका डेट फंड, आपका इक्विटी का फंड, आपके गोल्ड, आपके शेयर, आपकी प्रॉपर्टी, आपके बाकी सारी FD, PPF एटसेट्रा, जितनी भी तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनको हम एक्चुअल मानते हैं, इसको वर्चुअल मानते हैं। एक्चुअल और वर्चुअल में फर्क यह है, एक्चुअल थोड़ा लेजी है, थोड़ा स्लो है, लेकिन प्रेडिक्टेबल है। ये बहुत फास्ट है, अनप्रेडिक्टेबल है और बड़ा वॉलेटाइल है। दोनों में बड़ा अंतर है। एक एक करके छोटे छोटे कंपैरिजन देखते हैं। एक दिन 19,000, अगले दिन 12,000, उसके अगले दिन फिर 15,000। तो ये जो शार्प ऊपर नीचे जाना, यहां से ये पता चलता है कि ये इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, ये तो गैम्बलिंग है। लेकिन इधर दूसरी तरफ उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी है, कैलकुलेशन है, वो एक एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है जो 2 साल 3 साल 5 साल के होराइजन में जहां प्लानिंग की जा सकती है। बिटकॉइन पे आप निर्भर होकर प्लान नहीं कर सकते। बिटकॉइन एक डिपेंडेबल चीज नहीं है, उस पर निर्भरता नहीं, लेकिन बाकी सब पे एक्चुअल इन्वेस्टमेंट पे आप डिपेंडेबिलिटी डाल सकते। आप अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटी के लिए बिटकॉइन खरीद के नहीं रख सकते। आपको प्लान करके रखना पड़ेगा, सोच के तैयार रहना पड़ेगा कि ये पूरी तरह जीरो भी हो सकता है बिटकॉइन। क्या? हाँ, पूरी तरह जीरो भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हो जाएगा, हो सकता है। नोवल कॉन्सेप्ट है, नया है, लिमिटेड ट्रैक रिकॉर्ड है, लो क्रेडिबिलिटी है। पुराना कॉन्सेप्ट है, स्टेबल है, डिटेल ट्रैक रिकॉर्ड है, हायर क्रेडिबिलिटी है। बिटकॉइन में आपको टैक्स बेनिफिट ना इन्वेस्टमेंट के पहले मिलता है, ना इन्वेस्टमेंट के बाद मिलता है। लेकिन इधर जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, इनमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है जिनमें टैक्स बेनिफिट आपको पहले भी और बाद में भी दोनों लेवल पे मिलता है। और बाद का मतलब है जो आपको रिटर्न मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। जैसे जितनी भी इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट है, सब टैक्स फ्री रिटर्न्स हैं। ये थोड़ा एक फर्क आपको, यहाँ आप पैसा बचा नहीं सकते, सरकार इधर से सरकार सब ले जाएगी आपसे आगे चल के, यहाँ सरकार आपको एनकरेज कर रही है, इधर सरकार डिस्करेज करेगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि बिटकॉइन का इस्तेमाल ब्लैक मार्केट में हो रहा है, यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग में हो रहा है, हैकर्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, टेररिस्ट कर रहे हैं, जितनी भी आपराधिक इलीगल एक्टिविटीज, टैक्स इवेजन की एक्टिविटी, ये सब बिटकॉइन में की जा सकती हैं। लेकिन ये सरकार की रेगुलेशन में, सरकार की निगरानी में है। तो इधर जो भी एक्चुअली जो बिटकॉइन का लेन देन है ना, ये सरकार के पेट पे लात मारने जैसा है। क्योंकि आप सरकार से उनकी टैक्स की इनकम, उनको उनकी सरकार की कमाई, आप सोच रहे हैं कि सरकार को ठोक दें, पैसा हम अकेले कमा लें, ये है बिटकॉइन। लेकिन इधर आप भी कमाते हैं, सरकार भी कमाती है, इसलिए इसको सरकार एनकरेज करेगी, सपोर्ट करेगी। इसको तो ये तो दुश्मन है सरकार की, तो किसी भी दिन सॉवरेन सपोर्ट इधर कभी नहीं मिलेगा आपको, इधर सॉवरेन सपोर्ट रहेगा, यहां पे आपको सरकार मदद करेगी, एनकरेज करेगी, इधर नहीं। अच्छा, जैसे कि बिटकॉइन प्योरली डिजिटल है, तो पहले भी ऐसा हो चुका है कि हैकर्स ने आपके अकाउंट्स में जाकर के, देखो हैकर्स बड़े तेज होते हैं, वो जाके आपके अकाउंट में उसको हैक कर सकते हैं। लेकिन इधर बिटकॉइन के केस में कोई बीच में थर्ड पार्टी नहीं है अब। लेकिन देखिए, हैक तो कुछ भी हो सकता है, बैंक्स भी हो सकते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड भी हो सकते हैं, डेबिट कार्ड भी, लेकिन बीच में एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, बीच में गवर्नमेंट है, बीच में बैंक्स हैं। तो यहां पे क्या है, अगर गलती से आपके क्रेडिट कार्ड का पैसा किसी और के अकाउंट में चला गया, वो रिवर्स हो सकता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में अगर किसी और के अकाउंट में चला गया, वहां रिवर्स नहीं हो सकता जब तक वो खुद वापस ना करना चाहे आपको, क्योंकि यहां बीच में कोई और एजेंसी इन्वॉल्व नहीं है। क्रेडिट कार्ड के केस में, डेबिट कार्ड के केस में, बैंक अकाउंट के केस में, बीच में बैंक है, वो देखेगा कि इसका पैसा इसके अकाउंट में गलत चला गया, तो वो रिवर्स आ सकता है उसकी इच्छा के बिना। इधर रिवर्स नहीं आएगा उसकी इच्छा के बिना, वो नहीं चाहे तो नहीं दे, आप उखाड़ लो, क्या कर सकते हो। ये बिटकॉइन में ऐसा नहीं, मैं बोल रहा असुरक्षित है, कहीं डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये असुरक्षित है, लेकिन हुआ तो है ही, 2-3 दफा बड़ी हैकिंग हुई है बिटकॉइन के अंदर, आगे भी हो सकती है। बिटकॉइन माइनिंग मार्केट प्लेस से, नाइस हैश से, $70 मिलियन की हैकिंग हुई थी बिटकॉइन की। ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस और वॉलेट से कई बार हुआ है।
बड़ा साइबर अटैक हुआ था बिगेस्ट बिटकॉइन एक्सचेंज मार्केट प्लेस माउंट गॉक्स पे। इधर लफड़ा यह है कि अगर आपका पैसा चला गया तो सरकार आपके साथ में कहां से आएगी, कोई है ही नहीं, बीच में कोई नहीं है ना यहां पे, तो वो एक बड़ा इशू हो सकता है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं है, पर कंसीडर करना चाहिए। मेरा काम है आपको खाली शेयर करना। देयर इज नो सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी विच इज गारंटिंग योर बिटकॉइन, सो बिटकॉइन का पैसा इररिवर्सिबल है, गया तो गया, आया तो आया। ऑन द अदर साइड इट इज बैक्ड अप बाय गवर्नमेंट एजेंसीज एंड थर्ड पार्टी एजेंसीज, ताकि वो वापस आने में आपकी मदद तो कर सकते हैं, एटलीस्ट कोर्ट में आप जा सकते हैं, कोई लीगल लड़ाई लड़ सकते हैं। अच्छा, बिटकॉइन के एक्सचेंज में फेडरल और गवर्नमेंट इंश्योरेंस प्रोग्राम को इन्वॉल्व, यू कांट इंश्योर योर बिटकॉइंस, लेकिन लगभग बाकी सारी इन्वेस्टमेंट का इंश्योरेंस किया जा सकता है, तो एक इंश्योरेंस का रिस्क भी था छोटा सा। अब क्योंकि ये एक ब्लाइंड गेम है ना, तो ब्लाइंड गेम में बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं, तो जिस दिन इसका प्राइस बहुत ज़्यादा गिरा आपको कैश आउट करने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। उस समय कैश आउट करते वक्त कोई और मिलेगा नहीं खरीदार इसका, लेकिन दूसरी तरफ जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है वो कितना भी गिरता है उसकी कैश आउट की संभावना फिर भी बनी रहती है, चाहे भले ही सस्ते में हो लेकिन कैश आउट हो जाएगा। कई लोगों को लग रहा होगा कि ये वीडियो बिटकॉइन के खिलाफ है, ये वीडियो बिटकॉइन के खिलाफ नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जहाँ पे कॉम्पिटिशन कैलकुलेशन प्रिडिक्शन इन्वॉल्व नहीं है, जो बिल्कुल ही ब्लाइंड गेम चल रहा है, उधर जाना हमेशा ठीक नहीं रहता। मेरे विचार में इन्वेस्टमेंट इन योर कैश कैन एनी टाइम क्रैश, बट इन्वेस्टमेंट इन योर बिजनेस एंड ब्रेन कैन गिव यू हाईएस्ट गेन। अगर आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें उसकी ग्रोथ बिटकॉइन के मुकाबले कहीं ज्यादा गुना हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, ये डालमिया सिंघानिया बर्मन जिंदल मुंजाल गोयनका मोदी मित्तल टाटा बिरला अंबानी अडानी गोदरेज नंदा जितने बड़े परिवार हैं, ये सब बिटकॉइन में पैसा डाल के बड़े नहीं हुए, ये अपने बिजनेस में पैसा डाल करके बड़े हुए हैं। आपको दो जगह पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, एक आपके अपने बिजनेस में और दूसरा आपके अपने ब्रेन में। यानी कि ये जो ब्रेन है ना, जहां से सब कुछ आप सीखते हैं, जहां से सब कुछ आप बड़ा करते हैं, अगर इस ब्रेन में ही इन्वेस्टमेंट नहीं किया जहां से आपको सब कुछ मिलने वाला है, तो बाकी सारी इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल इंटेलिजेंस आएगी भी नहीं। दो जगह फोकस करिए, सेफ इन्वेस्टमेंट से फोकस करिए और अपने बिजनेस ब्रेन को बड़ा करते जाइए। और हां, मेरा हमेशा मानना है अपनी अर्निंग में इन्वेस्ट करने के साथ साथ अपनी लर्निंग के लिए भी थोड़ा अमाउंट सेव करके रखिए, उसमें इन्वेस्ट करिए, क्योंकि अगर लर्निंग बढ़ेगी तभी आपकी अर्निंग बढ़ेगी। आइए लाइव वर्कशॉप में हमारे साथ क्वेश्चन आंसर करिए, मुझसे आकर के मिलिए, मुझसे क्वेश्चन करिए लाइव वर्कशॉप में, इसी नंबर पे फ़ोन करिए अगला लाइव वर्कशॉप का पता करने के लिए कि अगली ट्रेनिंग कहाँ हो रही है इस लीडरशिप फनल की जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। ये एक छोटा सा सॉफ्ट एनालिसिस था, केस स्टडी थी बिटकॉइन के विषय में। मैं आपसे आज आपकी राय पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से क्या बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप अपनी राय के साथ साथ अपना लॉजिक भी दीजिए, अपना रीजन भी दीजिए, और मैं भी आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा, बाकी लोग भी एक दूसरे के कमेंट्स को पढ़ सकते हैं। क्या बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? यहां अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, जितना रीजन देंगे उतना हम एक दूसरे को सिखा और समझा पाएंगे। और हां, एक एक वीडियो बनाने में मुझे बहुत समय लग जाता है, टाइम देना पड़ता है, स्पेशली आपसे वापस मिलने आने के लिए। लाइक तो जरूर कर दिया कीजिए, मेरा उत्साह बढ़ता रहता है। सब्सक्राइब करिए, दूसरों से कराइए, ताकि बिजनेस संबंधित नॉलेज वीडियोस लगातार कॉर्पोरेट लीडरशिप एंटरप्रेन्योरशिप के आपको मिलते रहें। और ये वीडियो हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो बिटकॉइन के विषय में जानना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है या सोच रहा है। बहुत लोग आज बिटकॉइन के बारे में सोच रहे हैं इन्वेस्ट करें या नहीं करें, इस इन्वेस्टमेंट का नॉलेज बेस्ड वीडियो ये सबको शेयर करें अपने ग्रुप्स में, ताकि उनको भी समझ में आ सके कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने से क्या फायदा क्या नुकसान, क्योंकि हर एक को नहीं करना चाहिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट। कुछ खास तबके के लोग, उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट ठीक है, बाकी सब लोग के लिए बड़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट है। और हाँ, मेरे साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए, हर वीडियो को वापस आके देखने के लिए प्रेम पूर्वक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।